हमारे भाई खालिद सिद्दीकी साहब, ये हमारे बहुत पुराने लोगों में है, अपनी बीमारी माजूरी की वजह से ना आ सके, तो इरादे नीयत के बावजूद ना आ सके, तो उन्होंने वो कहने लगे कि भाई मैंने एक बार तो हजरत जी से पूछा कि हजरत क्या अमीर को इसका इख्तियार है कि वो सब साथियों की राय के खिलाफ कोई फैसला करें, सब साथियों की एक राय है, क्या अमीर को इसका इख्तियार है कि वो सब साथियों की राय के खिलाफ फैसला कर दे, ये मैंने हजरत जी से पूछा। तो हजरत ने फरमाया कि भाई इख्तियार तो है लेकिन ये भी देख लो कि वो मानेंगे कि नहीं, इख्तियार तो है कि सबकी राय के खिलाफ कोई फैसला करे लेकिन ये भी देख लो कि उनमें इस्तेदाद की बात है कि उनमें ये इस्तेदाद है कि वो मान भी लेंगे। अच्छा फिर उन्होंने पूछा कि हजरत वो ना माने तो फिर क्या करें, हमने फैसला किया उनकी राय ली थी अब वो नहीं मान रहे तो क्या करें। तो हजरत फरमाया कि भाई तू उनकी मान लो, अगर वो तुम्हारी ना माने तो तुम तो उनकी मान लो। कैसे जोड़ की शक्ल है, आज हमारे यहां जितना कहीं इख्तिलाफ है, जहां कोई काम करने वालों में इख्तिलाफ है, कहां कहीं भी कोई काम करने वालों में झगड़ा है, उसकी सिर्फ वजह है कि जो मैं कहता हूं वो होना चाहिए। तबलीग वालों में सारी दुनिया में जहां कोई कोई इख्तिलाफ है, किसी भी सतह पर, मस्जिद की सतह पर, शहर की सतह पर, और जिस सतह पर भी कोई इख्तिलाफ है, तो उस इख्तिलाफ की कोई वजह नहीं है, सिर्फ एक ही वजह है कि जो मैं कहता हूं वो होना चाहिए, जो मैं कहता हूं वो होना चाहिए।